नशा करने और बेचने वालों का होगा बहिष्कार। दशहरा मिलन कार्यक्रम में बागेश्वर धाम महाराज ने ग्रामीणों को दिलाई शपथ। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में नशाखोरी के खिलाफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी पहल की है। बागेश्वर धाम में आसपास के गांव के लोगों से भेंट करने उन्होंने दशहरा मिलन कार्यक्रम रखा। महाराज श्री ने सभी को नशा न करने और नशीले पदार्थ न बेचने की शपथ दिलाई। आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने शपथ लेते हुए कहा कि न तो वह स्वयं नशा करेंगे और न ही किसी को नशा करने देंगे। जो व्यक्ति गाँव में नशाखोरी करेगा एवं नशीले पदार्थ बेचेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। महाराज श्री की इस पहल से यदि ग्रामीण सच्चे रूप से जुड़ते हैं तो यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर धाम के आसपास के गांव में बिकने वाली अवैध शराब को खत्म करने के प्रयास किया जा रहा है। बागेश्वर धाम में अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन आसपास के गांव में अभी जमकर शराबखोरी हो रही है। ग्रामीणों ने अपनी शपथ की रक्षा के लिए नशाखोरी से दूर रहेंगे तो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति शराब बेचता है तो गांव समाज के लिए उसको किसी भी मंगल कार्य में नहीं बुलाएंगे और उस व्यक्ति पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण के व्यक्तियों ने शपथ ली और दशहरा मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। हे भाई साहब, सब चले हाथ जोड़ के चीज बनते हैं कि अपनी अपनी समाज का इंतजाम करना। जो कोई दारू और गांजा पी के मिले उसको जरीबान 5,000 रुपये लगेंगे। हमने बोले हुआ जारी कारवा, हम कड़ा वाले अगल बगल के संगना बंदिया कड़ा के सभी समाजों के लोग कसम खा रहे हनुमान जी के सामने लौट के अगर कोई भी दारू पी है वो आदमी है अपनी समाज से बाहर कर भी लौट के ना बुला भी और बेचने वाले को अर्थदंड भी दिया जाएगा। हम सब जने की वचन पर जिंदगी भर चलेंगे ऐसी कसम खा रहे हनुमान जी की कसम खा रहे बागेश्वर बालाजी की कसम खा रहे। ये वो बजाओ अपनी ओना। जय श्या राम, जय बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की जय। आज बागेश्वर धाम का जो हमारा गांव है ग्राम गढ़ा दशहरा मिलन समारोह था तो सभी गढ़ा बंदिया समना गंज पहरा टोरिया आदि आदि क्षेत्र के लोग सब लोग एकत्रित हुए थे। हम सब ने मिलकर के वर्तमान में असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे थे और बहुत सी नशा की शिकायत आसपास में मिल रही थी। आज हम सब ने मिलकर के प्रण लिया है कि ग्राम में कोई भी मदिरा बेचेगा या पिएगा उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा और समाज से उसे दूर रखा जाएगा। समाज के लोगों ने किस तरह की बात कही? कई समाज के लोग भी सामने सभी समाज के लोग सामने आए, उन्होंने अपने अपने प्रण को दोहराया और उन्होंने वचन भी दिया कि जो भी उनकी समाज का मदिरापान करेगा वो समाज से उसे दूर करेंगे और किसी भी मंगल कार्य में उसको बुलाएंगे नहीं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के प्रपंच, बागेश्वर धाम के आसपास और गढ़ा ग्राम बदिया संगना हटवाहा टोरिया आदि क्षेत्रों में निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के अपराध को बचाने का सबसे यह सर्वोत्तम उपाय नशा को बंद करना।